हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंद्राना। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो चाइनीज चीप टायर्स आते हैं, क्या वो सही में सस्ते होते हैं क्या। काफी लोग तो मेरे पास में आते हैं और कहते हैं रवि भाई मुझे चाइनीज टायर डालने हैं क्योंकि मेरा बजट नहीं है। और मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि चाइनीज टायर जो है वो सस्ते नहीं होते, वो महंगे ही पड़ते हैं। कैसे महंगे पड़ते हैं ये सारी मैथमेटिक्स ये वीडियो में आपको दिखाऊंगा आज। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। काफी मजेदार स्टोरी, कार रिलेटेड, बाइक रिलेटेड नॉलेज हम लोग डेली बेसिस पे वहां पे शेयर करते रहते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है क्विक फिक्स इंडिया। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चाइनीज टायर कंपनियां इंडिया में आ चुकी है, काफी सस्ते टायर वो लोग बेच रहे हैं। सो काफी लोगों को लगता है कि हम लोग एक्सपेंसिव टायर क्यों खरीदे, हम लोग चाइनीज टायर खरीदना चाहिए। जितनी भी चाइनीज कंपनी के टायर जो इंडिया में अवेलेबल है वो उनकी कंपनियां इंडिया में अवेलेबल नहीं है। यहां से कोई डीलर ने कंटेनर से टायर माल परचेस किया है और वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप अगर चाइना जाते हो, आपका अगर टायर का बजट है 1500 रुपीज, तो बोलेगा अच्छा 1500 रुपए बजट है, लाओ मैं आपको 1500 रुपए का टायर बना के देता हूं। आप बोलोगे नहीं नहीं एक काम करो मुझे 1200 का टायर बना दो। अच्छा 1200 का बजट है सर आपका, लाइए मैं 1200 का टायर आपको बना देता हूं। आप बोलेंगे सर मेरे को 800 रुपए का बजट है। अच्छा 800 का बजट है, मना नहीं करेंगे आपको, वो टायर बना देंगे। तो एक चीज ध्यान में रखना है, अगर वो सस्ते में आपको टायर बना के दे रहे हैं दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। नॉर्मल आदमी को दोस्तों टायर के बारे में नॉलेज होता नहीं है। तो क्या होता है टायर में, बेसिकली टायर में रबर्स होते हैं, रबर्स के अलावा उसके अंदर ऑयल होता है, उसके अंदर सिलिका होता है, उसके अंदर कार्बन होता है। तो टायर के अंदर स्टील बेल्ट भी लगते हैं, वो अलग अलग क्वालिटी के स्टील बेल्ट आते हैं। कोई दोस्तों नायलन यूज करता है, कोई पॉलिस्टर यूज करता है, कोई अर्मिड यूज करता है। ये अलग अलग किस्म के जो कंपाउंड है, अलग अलग चीजें हैं जो टायर में मिक्सचर होके टायर एंड में बनता है। सो दोस्तों आप जैसा आपका बजट कम करोगे वैसा ही आपका टायर का क्वालिटी आएगा। दोस्तों आपने मेरे अगर पहले के वीडियो देखे हैं तो मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि टायर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाड़ी का। सारा गाड़ी का वेट, पैसेंजर का वेट, स्टेयरिंग, ब्रेकिंग, हैंडलिंग, ये सारा कुछ जो है वो टायर के थ्रू होता है। एक आपने कहावत सुनी रहेंगी, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सो ऐसी ही कोई चीज होती है चाइनीज टायर के साथ में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों, आपको एक अच्छा मजेदार मैथमेटिक्स बताऊंगा मैं दोस्तों ड्यूरेबिलिटी के बारे में। कोई भी टायर दोस्तों परचेस करने जाते हैं हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कितना ड्यूरेबल है टायर। ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों, ड्यूरेबिलिटी के लिए जो एग्जाम्पल लिया है हमने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी का लिया है। यहाँ पे देखते हैं जो ब्रिस्टोन का जो टायर आता है स्विफ्ट डिजायर के लिए वो आता है 3500 का, 3500। मिशलिन का जो टायर आता है वो 3750 का आता है। योकामा का जो टायर आता है दोस्तों 3450 का आता है। और अपोलो का जो टायर है वो आता है 3400 का। दोस्तों जो एवरेज लाइफ मिलती है इस टायर से वो है 50,000 से लेके 65,000 के बीच में। सो हम लोग पकड़ के चलते हैं 50,000 ही लाइफ मिलेंगी। 3500 का दोस्तों हमने यहाँ पे पकड़ा है एवरेज कॉस्ट जो टायर का होता है, और 50,000 यहाँ पे पकड़ी है उसकी लाइफ। 3500 को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 50,000 से, तो आपको जो आंसर आता है यहाँ पे वो है 7 पैसे पर किलोमीटर। 7 पैसे जो यहाँ पे है दोस्तों ये आपका पर किलोमीटर का कॉस्ट है। अभी दोस्तों सेम टायर के लिए हम लोग देखते हैं चाइना टायर डिजायर में। अगर आप चाइना का टायर खरीदने जाते हो तो चाइना का टायर जो आता है वो आता है 2200 रुपए में। अप्रोक्सीमेटली जो यहाँ पे लाइफ मिलती है दोस्तों 25,000 से 35,000 मिलती है, लेकिन 30,000 के बाद में इसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है काफी बढ़ जाता है तो हम लोग कंसिडर करते हैं 30,000। सो यहाँ पे 30,000 जो लाइफ मिल रही है एवरेज पकड़ा है 2200 रुपए से हम लोग डिवाइड करते हैं 30,000 को। सो यहाँ पे जो पर माइल कॉस्ट आपको मिलेंगी 2200 रुपए डिवाइडेड बाय 30,000, यहाँ पे जो आपको दोस्तों आंसर आएगा 7 पैसे से ज्यादा ही है। जो ड्यूरेबिलिटी होता है आपका जो नॉर्मल ब्रांडेड कोई भी ब्रांडेड टायर होता है इनका सर्विस लाइफ मिनिमम 40,000 से लेके 60-65,000 तक होता ही है। आप जितना अच्छा ब्रांड लोगे उतना ज्यादा सर्विस लाइफ आपको मिलेगा। चाइनीज टायर में दोस्तों मैंने ऑब्जर्व किया हमेशा जो ड्यूरेबिलिटी होती है, जो लाइफ मिलती है सर्विस लाइफ टायर की, वो 30,000 के आसपास होती है। 30,000 के बाद में कहीं ना कहीं जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, और प्लस कहीं ना कहीं आपका माइलेज भी कम होने वाला है क्योंकि जो टायर की जो ये क्वालिटी होती है, टायर का जो ट्रेड डिजाइनिंग होता है वो डिजाइन में नॉइस आता है, पुल करने के लिए जो ताकत लगती है गाड़ी को वो ज़्यादा लगती है। तो ताकत जब ज़्यादा ही होगी तो फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगा आपका, और आप जो पैसा बचा रहे हो वो फ्यूल में डाल रहे हो, वो जो पैसा आप बचा रहे हो वो आपके सस्पेंशन में डाल रहे हो, जो पैसा यहाँ आप टायर में बचा रहे हो वो आप डाल रहे हो आपके क्लच पेट पे। और जो कंफर्ट दोस्तों मिलना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब गाड़ी चलाते हो वो कंफर्ट आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है। तो चाइनीज टायर जब आप खरीदते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सारे चाइनीज टायर खराब है, लेकिन
अगर पिरली चाइना में बना के ला रही है टायर, या मिशलिन चाइना से टायर बना के ला रही है, या ब्रिस्टोन चाइना से बना के ला रही है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कंट्रोल इनका वहां पे था। इन लोगों ने पूरा रिसर्च करके जो रॉ मटेरियल यूज किया है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो सेम यूज करते हैं। सो सील कॉर्ड्स उनके क्वालिटी का टेस्टिंग किए हुए होते हैं। तो और जो अनब्रांडेड कंपनियां होती है वो कहीं ना कहीं इतना क्वालिटी कॉन्शियस नहीं होती है, क्योंकि दे आर नॉट कम्पीटिंग विथ ब्रिस्टोन, दे आर ओनली कम्पीटिंग विथ स्मॉल प्लेयर्स। उनका एक अलग मार्केट वो बना रहे हैं। तो योकोहामा हो गया, ब्रिस्टोन हो गया, मिशलिन हो गया, अपोलो हो गया, एमआरएफ हो गया, जेके हो गया, सीएट हो गया, ये सारी कंपनियां इंडिया की कंपनियां हैं। कुछ भी दिक्कत अगर आपको टायर में आती है तो आप डायरेक्ट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हो। चाइनीज टायर में दोस्तों कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, आपको कोई दिक्कत है तो कोई वहां पे आंसर करने वाला है नहीं। चाइना का टायर जहां पंचर हुआ वहां के स्टील कॉर्ड्स होते हैं वो रस्टेड होके बल जा जाता है, वहां पे फूक जाता है टायर, जिसे बेंड कहते हैं हम लोग, टायर बेंड हो जाता है। आप ब्रिस्टोन का टायर देखो, आप मिशलिन का टायर देखो, अगर पंचर होता है तो वहां पे कभी बल्ज नहीं आता है। सो कहीं ना कहीं जो उनकी स्टील कॉर्ड्स की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। जैसा मैंने आपको कहा था कि आप जितना पैसा कम दोगे वैसा क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज होगा, सो वही दोस्तों चाइना में हो रहा है। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों वो हैंडलिंग। हैंडलिंग क्या होता है, जब भी आप गाड़ी चलाते हो जो परफॉर्मेंस आपको मिलना चाहिए, जो कंफर्ट मिलना चाहिए, जब भी आप ओवरटेक करते हो एक कॉन्फिडेंटली ओवरटेक करते हो ब्रांडेड टायर्स में, कहीं ना कहीं जो चाइनीज टायर होते हैं दोस्तों उनके अंदर टायर जो होता है वो प्रॉपरली बैलेंस हुआ नहीं रहता है, क्योंकि जो माल मटेरियल जो यूज किया है वो इतना क्वालिटी वाला नहीं होता है। चाइनीज टायर का दोस्तों जब भी आप व्हील बैलेंसिंग करते हो उसके अंदर वेट भी ज्यादा लगता है। और हैंडलिंग के बारे में दोस्तों, चाइनीज टायर से अगर आप गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो एट द स्पीड ऑफ 100-120, आपको पता चलेगा कि जो कंफर्ट मिलना चाहिए मुझे टायर पे से, जो कंफर्ट मुझे ये कार से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तीसरी जो चीज होती है दोस्तों वो है ट्रेड डिजाइनिंग और नॉइस लेवल। जो ट्रेड डिजाइनिंग होता है उसका हर चीज, हर ट्रेड डिजाइनिंग जो डिजाइन है उसके मायने होते हैं। स्पोर्टी टायर जो होते हैं उनके ट्रेड डिजाइनिंग अलग होते हैं, जो कंफर्ट देने वाले टायर होते हैं उनके ट्रेड डिजाइनिंग अलग होते हैं, जो एसयूवी ऑफ रोड टायर होते हैं उनका ट्रेड डिजाइनिंग अलग होता है। आप अगर सिटी में चला रहे हैं उसके लिए अलग है, आप हाईवे पे लिए चला रहे हैं तो अलग। तो ये कंपनियां अलग अलग टाइप किस्म के ट्रेड डिजाइनिंग बनाती है अलग अलग पर्पस के लिए। सो चाइनीज टायर में दोस्तों आपको इतनी वेराइटीज नहीं मिलेंगी ट्रेड डिजाइनिंग के लिए। और ट्रेड डिजाइनिंग जो होता है वो उसके आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होता है वो कैलकुलेट होता है, क्योंकि वहां से वाटर इवैक्यूएशन होता है। बहुत से टाइम दोस्तों टायर जो है वो एकदम गंदा नॉइस करता है, वो क्यों करता है, क्योंकि अगर ट्रेड डिजाइनिंग अच्छी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं टायर जो है वो नॉइस करेगा। टायर के जो ट्रेड होते हैं वो इस हिसाब से डिजाइन किए होते हैं जिससे जो नॉइस आता है वो थोड़ा मधुरीला हो जाए। दोस्तों चाइनीज कंपनियां इतना रिसर्च नहीं करती ये सब चीजों पे, इसके लिए उनके टायर्स में इतना नॉइस आते रहता है। चौथी चीज जो दोस्तों है वो है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाड़ी का, क्योंकि अगर हम हाई स्पीड में है 140-150 के स्पीड में है और अगर हम ब्रेक करते हैं तो गाड़ी रुकनी जरूरी है। सो कैसा टायर डिजाइन हुआ है, कौन सा कंपाउंड यूज किया है, उस हिसाब से आपका ब्रेकिंग होगा। आपके गाड़ी के कितने भी अच्छे ब्रेक रहने दो लेकिन अगर टायर ही सपोर्ट नहीं कर रहे तो गाड़ी स्लिप होते जाएंगे। तो आपको काफी जगह दिखते होंगे आपको रोड के ऊपर जो मार्किंग रहते हैं टायर के, तो वहां पे क्या हो रहा है, गाड़ी घिसते जा रही है, ब्रेक नहीं लग रहा है, टायर घिस रहा है। सो ब्रेकिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो ब्रांडेड कंपनियां होती है वो उसके अंदर वो सिलिका का यूज करती है, उसके ट्रेड वेयर ऐसे डिजाइन करती है जहां से पानी बराबर से निकल जाए, वाटर इवैक्यूएशन अच्छे से होए, तो आपको वेट ब्रेकिंग भी अच्छा मिलेगा और ड्राई ग्रिप के लिए भी वो लोग हर चीज ध्यान में रखते हैं। चाइनीज कंपनियां दोस्तों ये सब चीजें ध्यान में नहीं रखती है, इन लोगों को पैसा बचाना है तो उस हिसाब से वो मटेरियल यूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों मैंने एक देखा है चाइनीज टायर में जो ब्रेकिंग है आपका इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है, क्योंकि आप इतना कॉन्फिडेंटली ब्रेक नहीं कर पाते हो 140 के स्पीड से। आप अगर एक बार आपने गाड़ी चला ली चाइनीज टायर पे, आपने एक बार ब्रेक मार लिया और आपको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं मेरी गाड़ी जो है वो नहीं बराबर से रुक रही है। सो दोस्तों फिफ्थ पॉइंट है रोलिंग रेजिस्टेंस। रोलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, रोलिंग रेजिस्टेंस ये होता है कि लो रोलिंग रेजिस्टेंस होता है और एक क्या होता है हाई रोलिंग रेजिस्टेंस। लो रोलिंग रेजिस्टेंस में एनर्जी कम लगती है गाड़ी को पुल करने की, हाई रोलिंग रेजिस्टेंस में एनर्जी ज़्यादा लगती है। एग्जांपल देना चाहूँगा, दो गाड़ियाँ हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ पे न्यूट्रल में डाल के स्लोप से, कौन सी गाड़ी ज़्यादा आगे जाएंगी और कौन सी गाड़ी बीच में रुक जाएंगी। जो गाड़ी ज़्यादा जा रही है आगे उसको लो रोलिंग रेजिस्टेंस कहेंगे और जो बीच में रुक गई है उसे हम लोग हाई रोलिंग रेजिस्टेंस कहेंगे। सो चाइनीज टायर दोस्तों उसके अंदर हाई रोलिंग रेजिस्टेंस होता है, सो कहीं ना कहीं आपका
फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होता है। आप अगर ब्रांडेड टायर में भी स्पेशली सिलिका कंपाउंड का, जिसके ऊपर एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिससे आपका माइलेज बढ़ सकता है, वो वीडियो देखिए, बहुत मजेदार वीडियो है। ब्रिस्टोन ने ये कैलकुलेटर बनाया है लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे जो डीजल का रेट है वो 52 रुपीज लिया है। दोस्तों अगर हम देखते हैं स्विफ्ट डिजायर 15 का एवरेज देती है, तो एवरी 10,000 किलोमीटर आप 2,500 रुपए के आसपास बचा सकते हो। अभी जो डीजल का रेट है दोस्तों 52 रुपए से ज्यादा ही है, और आप यहाँ बचा सकते हो 2,500 रुपए से ज्यादा एवरी 10,000 किलोमीटर, तो 50,000 में आपके टायर फ्री हो गए। सो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टायर यूज कर रहे हो, आपको टायर का कोई पैसा देना ही नहीं है, और चाइनीज टायर में आपको पैसे ही देने हैं क्योंकि वहां पे आपका एवरेज भी कम मिल रहा है। पेट्रोल का दोस्तों एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल यहाँ पे 66 रुपीज पकड़ा है, उससे ज्यादा ही रेट है यहाँ पे। और पेट्रोल का अगर 15 का एवरेज देता है, जो नहीं देता है 10 का ही देता है, लेकिन हम लोग 15 पकड़ते हैं, 15 का अगर एवरेज देता है तो 3,000 रुपए एवरी 10,000 किलोमीटर आप बचा सकते हो। तो यहाँ पे 50,000 में आपके टायर फ्री हो रहे हैं, आपको कोई भी टायर का पैसा देने की जरूरत नहीं है। उनका जैसा दोस्तों इकोपिया आता है, वैसा मिशलिन का भी आता है XM2, और योकामा का आता है अर्थवन। ये सिमिलर कंपाउंड के फ्यूल एफिशिएंट टायर होते हैं, जहाँ पे फ्यूल जो है आपका बचता है, फ्यूल कंजम्पशन अच्छा रहता है। ये भी एक चीज़ के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चाइनीज टायर मत खरीदिए। जो कंट्री हमको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उस कंट्री को हमको क्यों बिजनेस देना है? क्यों ना हम हमारे इंडिया की जो कंपनियाज है और जो बाहर की कंपनियाँ इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे, क्यों ना हम उनको सपोर्ट करें। 6th पॉइंट है दोस्तों कम्फर्ट। अब ये कम्फर्ट जो है ये क्या होता है दोस्तों? साइड वॉल जो होते हैं टायर के, जो ब्रांडेड कंपनियां होती है उसके अंदर वो लोग 2-ply कॉट का यूज करते हैं, जो सेफ होता है, जो रिकमेंडेड गाइडलाइन है। लेकिन चाइनीज टायर में, काफी चाइनीज टायर में दोस्तों, नॉट सारे टायर में, काफी चाइनीज टायर में साइड वॉल में 1-ply का यूज होता है। उससे क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? 2-ply कॉट से स्ट्रेन जो होती है टायर की वो ज्यादा होती है, तो बल्ज वगैरह आने के चांसेस कम रहते हैं। आप अगर कोई खड्डे वड्डे में आपकी गाड़ी जाती है, तो टायर का जो शॉक ऑब्जर्व का कैपेसिटी होता है वो ज़्यादा होता है ब्रांडेड टायर में। चाइनीज टायर फट जाते हैं सीधे, या बेंड हो जाते हैं, या वहाँ पे कहीं ना कहीं उसके प्लाईकॉट ब्रेक हो गए तो वहाँ पे बल्ज आ जाता है। कम्फर्ट कैसे ज़्यादा मिलता है? जो कुशनिंग होता है, क्योंकि टायर सबसे पहले काम क्या करता है दोस्तों? सबसे पहले छोटे मोटे खड्डे में जो कुशनिंग का काम है वो टायर करता है। जहाँ पे टायर कुछ नहीं कर सकता है वो उसके लोअर आर्म पे भेजता है, और लोअर आर्म जहाँ पे हैंडल नहीं कर सकता है वो शॉक ऑब्जर्वर पे भेजता है। सो शॉक ऑब्जर्वर ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। छोटे मोटे जो खड्डे होते हैं वो टायर ही हैंडल करता है। तो जितने अच्छे टायर रहेंगे, जितने ब्रांडेड टायर रहेंगे, वहाँ पे आपको जर्क हो गया या खड्डे में जो कम्फर्ट रहेगा वो अच्छा मिलेगा। चाइनीज टायर में क्या होता है, छोटे भी खड्डे में जाएंगे क्योंकि वो हार्ड होते हैं, रबर क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं है मोस्टली चाइनीज टायर की। सो कहीं ना कहीं खड्डे में आपको छोटे मोटे खड्डे भी महसूस होते हैं उसमें। सो कंफर्ट यहाँ पे कम मिलता है। ये वीडियो देख के काफ़ी लोग मुझे कहेंगे दोस्तों कि आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा है, पैसा तो हमको देना पड़ रहा है, इसीलिए हमको सस्ता प्रोडक्ट लेना है। मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप कोई भी टायर डीलर के पास में जाएंगे, वो चाइनीज टायर से भी पैसे कमाने वाला है, इनफैक्ट ज़्यादा कमाने वाला है ब्रांडेड टायर से, क्योंकि ब्रांडेड टायर में कंपटीशन ज़्यादा है तो मार्जिन भी कम है। लेकिन मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये आपके सेफ्टी के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि सेफ्टी जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी रहनी चाहिए। दोस्तों ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो पे हम लोग काम कर रहे हैं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में एक बेल आइकन है दोस्तों उसे भी प्रेस कर लीजिए, तो जो भी हमारा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। राइडर्स प्लीज़ वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज़ वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, Keep the city clean. Thank you.